बस बाइक की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। लॉकडाउन में जब ऐसा लगे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तब मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र में अवैध हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग होना कहीं ना कहीं मौजूदा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देता है। 4 जून को दो पक्षों में हुए विवाद और फिर अवैध हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई थी। आज इलाके के ही किसी युवक द्वारा बनाया गया वह वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें रईस पक्ष के लोग गोलियां व गालियां बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंधाधुंध फायरिंग के बीच किसी तरह बनाई गई यह वीडियो बेहद कम समय की है, लेकिन यह दर्शाने के लिए काफ़ी है कि उस वक्त का मंजर क्या और कैसा रहा होगा। कोतवाली इलाके की बनियापाड़ा पुलिस चौकी के अंतर्गत पूर्वा इलाही बख्श में दो परिवारों रईस व फारूक के बीच काफ़ी समय से विवाद चला आ रहा है। लॉकडाउन में यह दूसरी घटना है जब दोनों पक्ष खुलकर आमने सामने आ गए। फायरिंग में पथराव की इस घटना में कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए साजिद, शाहबेज, माजिद व रईस पक्ष के दिलशाद और सुहेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एसओ कोतवाली देवेश कुमार शर्मा ने बताया कि इन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार नहीं है, अवैध हथियारों से फायरिंग को अंजाम दिया गया है। 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है, वे भी गिरफ्तार किए जाएंगे। आइए देखते हैं वह वीडियो। आ जा।